दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आज सिखाऊंगी ये न्यू डिजाइन का डोरमेट। ये बहुत ही सुंदर बना है। मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा ज्यादा वीडियो शेयर करें। चलिए मैं स्टार्ट कर रही हूँ। दो कलर लिए हैं, 8 नंबर की सिलाई ली है। अब देखें, ब्लैक कलर से मैं फिंदे डालूंगी। फिंदे हम 20 डालेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ और ये 10। तो 20 फिंदे हमने डाल लिए। आप इसमें 16-16 फिंदे, 16 × 32, 32 फिंदे भी डाल सकती हैं इसमें। तो 32 फिंदे का काफ़ी बड़ा बन जाएगा और 40 फिंदे का भी बना सकती हैं आप। अब यहाँ से देखें, दो फिंदे हम ये देखें, दो फिंदे हमने सादा बुन लिए और दो फिंदे हम इस वाले कलर से बुनेंगे। दो फिर से सादा, दो ब्लैक से, दो हम पिंक से। अब यहाँ पे देखें, 8 फिंदे, दो हम फिर से ब्लैक से बुन लेंगे, बाकी फिंदे हम ब्लैक से रखेंगे। ये 10-10 फिंदे हमने बांट लिए हैं, 10 हम ब्लैक से रखेंगे और 10 डिजाइन वाले। और ये देखें, दो फिंदे हमने बगैर बुने हुए छोड़ दिए, सिलाई को यहीं से पलट लिया है। अब जो जैसा है वैसे हमने पूरी रो कंप्लीट कर ली है। अब देखें, जो पिंक वाले हैं उनका कलर चेंज हो जाएगा, ब्लैक वाले हैं वो पिंक हो जाएंगे और पिंक वाले ब्लैक हो जाएंगे। और नीचे की साइड पे देखें, दो फिंदे हम बगैर बुने हुए छोड़ देंगे। छोड़ दिए और सिलाई को मैंने पलट लिया है। इस वाले फिंदे को सीधा बुनेंगे। अब देखें, पिंक वाले फिंदे ब्लैक हो जाएंगे और ब्लैक वाले पिंक हो जाएंगे। हर उल्टी सिलाई में इनका कलर चेंज करना है। और दो दो फिंदे हम छोड़ते जा रहे हैं।
अब जो जैसा है वैसा ही बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। ये देखें इस तरह से डिजाइन पड़ती जा रही है। अब फिर से देखें, ये देखो फिर से हमने छोड़ दिए दो फिंदे। अब देखें फिर से कलर चेंज कर लेंगे। ये ध्यान रखिएगा हर उल्टी सिलाई में हमें कलर चेंज करना है। अब ये देखें फिर से छोड़ दिए, तो यहाँ पे देखें आप गिने 1 2 3 4 5, तो 10 फिंदे हमने छोड़ दिए हैं दो दो करते हुए। अब जो जैसा है वैसा ही बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। अब देखें यहाँ से हम कलर चेंज करेंगे, फिर से हर उल्टी सिलाई में हमें कलर चेंज करना है। अब देखें ये छूटे हुए जो फिंदे हैं उनको, जो हमने दो दो करके करते छोड़े हुए हैं, तो दो फिंदे मैंने बिन लिए, और ऊपर के जो फिंदे हैं उनमें हम सिर्फ डिजाइन बनाएंगे। ये देखें अब जो जैसा है वैसा ही बुनेंगे। ये देखें कलर चेंज, अब यहाँ से देखें, अब यहाँ गैपिंग ज़्यादा है, तो एक फिंदे को इसको उठा लिया, एक इसको उठा लिया, और तीन फिंदों को एक साथ मैंने बुन दिया। ये देखें और सिलाई को पलटती जा रही हूँ। अब जो जैसा है वैसा ही बुनेंगे। ये देखें कलर चेंज करते हुए मैंने बुन लिए। अब यहाँ पे चार फिंदे हो गए, ये देखें चार बुन लिए। अब फिर से देखें यहाँ से हमने दो फिंदे उठाए, तीसरे वाले फिंदे के साथ में बिन दिया इसको इसी तरह से। अब यहाँ पे चार फिंदे और बचे हैं, तो दो दो करते हुए इसी तरह से बिनना है, तो बिन लेती हूँ फिर आपको आगे का बताती हूँ। अब देखें ये एक कली बन के तैयार हो गई है, ये देखें इस तरह से। अब आगे देखें हम किस तरह से बनाएंगे। अब ब्लैक कलर, ये हम सारे फिंदे ब्लैक कलर से बुन लेंगे, जो ऊपर के 10 फिंदे हैं।
और इसको साथ में अब देखें, दो फिंदे, ये फिंदे दो। अब नीचे की तरफ से हम डिजाइन को डालेंगे। ये देखें, अब जो जैसा है वैसा ही बुनेंगे। बुन लेती हूँ। देखें, ब्लैक वाला हम ब्लैक से बुनेंगे, जो ऊपर के 10 फिंदे हैं। ये देखें, हमने बुन लिए। अब यहाँ से कलर चेंज, ये देखें दो फिंदे हमने छोड़ दिए हैं बगैर बुने हुए। अब जो जैसा है वैसा ही बुनेंगे। देखें, फिर से कलर चेंज कर लेंगे और नीचे की साइड से हम दो दो फिंदे छोड़ते जाएंगे, और जब तक छोड़ेंगे कि 10 फिंदे छूट जाएंगे। तो मैं छोड़ लेती हूँ 10 फिंदों को। ये देखें, 4 फिंदे छोड़ लिए, 6 फिंदे और इसी तरह से छोड़ेंगे और सिलाई को पलटती जा रही हूँ। तो मैं बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखो, मैंने फिंदे छोड़ लिए हैं। अब आगे देखें किस तरह से बनेगा। अब यहाँ तक ये पिंक फिंदे आ गए। अब ये देखें, दो फिंदे ब्लैक हो जाएंगे, सिलाई को पलटती जाऊंगी। अब देखें, ये वाली दो फिंदे इस तरह से हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखें, जो गैपिंग है उसको पिंक वाले को उठाएंगे, सिर्फ ये ना ब्लैक उठाएंगे ना इधर का ब्लैक उठाएंगे, सिर्फ पिंक वाला उठाएंगे। और ये देखें, ब्लैक के साथ में इस तरह से बुनती जाऊंगी। ये देखें, अब जो जैसा है वैसा ही बुनेंगे। ये कली हम इस तरह से बना लेते हैं, फिर आपको पूरी कली कंप्लीट कर ली है मैंने। इस तरह से कली बनती जाएगी। अब ऊपर एक बार और देख लें। अब फिर से हम जिस तरह से इसको बनाया था उसी तरह से यहाँ पे बनाया, फिर इसके बाद फिर हम इस तरह से बनाएंगे। एक नीचे जाएगी तो एक ऊपर जाएगी, इस तरह से बनेगी। अब आप एक बार और देख लें। अब यहां देखें डिजाइन इस तरीके से। अब यहां से देखें, सारे फिंदे ब्लैक। जो नीचे के 10 फिंदे हैं वो ब्लैक कर लेंगे।
ये देखो, अब डिजाइन ऊपर की साइड पड़ने लगी, अब नीचे की साइड पे इस तरह से प्लेन बनेगा। तो एक डिजाइन में बनाएंगे, एक प्लेन बनाएंगे। तो इसी तरह से मैं बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। देखो मैंने बना लिया है, अब मैं इसको सिलना बताऊंगी। तो सिलेंगे किस तरह से, इस तरह से। इन धागों को अंदर करते हुए फिर कट कर दूंगी। इतना सिलना है यहाँ तक, तो मैं सिल लेती हूँ, फिर आपको दिखा। देखो मैंने सिल लिया है, इसको कंप्लीट कर लिया है।